धनबाद साइबर थाने को अहम सफलता हाथ लगी है। डीटीओ ऑफिस के निकट वेंडर का काम करने वाले शंकर पासवान नामक साइबर अपराधी को धनबाद साइबर थाना ने धर दबोचा है। पकड़े गए अपराधी की निशानदेही पर पुलिस ने दो लैपटॉप, एक पंचिंग मशीन और एक स्कैमर के साथ नकदी 8,000 बरामद किए हैं। ये छापेमारी गत 23 फरवरी को धनबाद के राम नरेश चौहान के द्वारा की गई शिकायत के बिना पर की गई है। एसपी संदीप लकड़ा ने पीसी कर बताया कि राम नरेश पासवान के खाते से किसी ने फर्जी एटीएम के माध्यम से 18,000 की निकासी कर ली थी। उसके बाद एटीएम के फुटेज के आधार पर धनसार से एक युवक को उठाया गया जो डीटीओ ऑफिस में वेंडर का काम करता था। उससे पूछताछ के बाद अन्य तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस बिहार के गया जिले में गई। वहीं ये तमाम सामान पुलिस ने बरामद किया। पुलिस का कहना है कि फरार अपराधियों की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं। उनका 18,000 रुपए एटीएम के थ्रू विड्रॉ हो गया था, तो ये कार्ड क्लोनिंग का मैटर जैसे लग रहा था, तो उसी में हम लोगों ने एटीएम का फुटेज मंगाया और एटीएम के फुटेज को जो आईओ हैं उनके द्वारा सर्कुलेट किया गया। उसी के आधार पर जानकारी मिली कि धनसार क्षेत्र में ये लड़का घूम रहा है और गुप्त सूचना के आधार पर उन्हें पकड़ के थाने लेके आया। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनके साथ एक गैंग काम करता है जो गया में, और फिर जो आईओ है वो गया गए इनके साथ, और वहाँ से इनके निशानदेही पे दो लैपटॉप, एक पंचिंग मशीन ये बरामद हुआ, और इनके पास से स्कीमर एक बरामद हुआ था। पहले पैसे कितने बरामद हुए? पैसे 8,000 रुपए बरामद हुए इनके पास। सर इसके अलावा कोई और किसी की गिरफ्तारी? और तो अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गिरफ्तारी की कोशिश तो जारी थी कल, लेकिन हो नहीं पाई। डीटीओ ऑफिस में काम कर रहे थे? डीटीओ ऑफिस में ये वेंडर है, ये अंदर के स्टाफ नहीं है, वेंडर है बाहर में जो कमीशन पे ये लोग लाइसेंस वाइसेंस बनवाते हैं।